नमस्ते, जय सियाराम। अभी कल रात को एक मैं वीडियो देखा हूँ, रविंद्र जडेजा जी कुछ पोस्ट डाले थे उस पर, वो तलवार घुमा रहे थे तो दो मुस्लिम महिला कुछ कुछ बोले उनके बारे में, जी आप अपने पूर्वज से पूछो वो कितने युद्ध जीते हैं, लड़े हैं, कितने लड़ाई किए हैं। पहली बात तो रविंद्र जडेजा जी से बहुत हमें क्या बोले हम, रविंद्र जडेजा जी जो काम किए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिस तरह उन्होंने राजपूत होने का गर्व दिखाया उस तरह हर राजपूतों का फर्ज है अपना गर्व दिखाइए, शान से कहिए, शान से टीका लगाइए, यही सब। अब वो लोग बोल रहे हैं कितने युद्ध लड़े, कितने क्या किए, अरे अपने अब्बू का अब्बू से पूछेगा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये सब कौन थे, कितने युद्ध हमने लड़े हैं, आप एक बार पूछिएगा। रात को जो है ना अकबर जब सोता था तो अपने सभा में बोल के जाता था, गलती से भी जो है ना महाराणा प्रताप जी का नाम मत लीजिएगा, नहीं तो अगर नाम कोई ले लेता था ना तो रात भर डर के मारे सोता नहीं था अकबर। और जितना जो है ना महाराणा प्रताप जी का भाला का वेट था ना, भाला का वेट, उतना अकबर का वेट था, 80 किलो का ओनली उनका भाला था, ठीक ना। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं, रही बात हमारे पृथ्वीराज चौहान की, ये तो पूरा दुनिया जानता है, 17 बार तुमने हारा, खिलजियो 17 बार हारा, मुगलों 17 बार हारे हो तुम लोग, तो भी हमारे महान पृथ्वीराज चौहान तुमको छोड़ दिए। इतिहास की बात करते हो, ज़्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो इतिहास खोदने पे लग जाएगा ना, तो तुम लोग का कोई अस्तित्व नहीं मिटेगा। ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये सब जो जपते हो, हमारे पूर्वज, हमारे वो कुछ तुम्हारे पूर्वज नहीं करके गए, इतिहास खुल जाएगा ना, तुम लोग का मुंह बंद हो जाएगा, समझे। हमारे ऐसे ऐसे महान महान योद्धा रह चुके हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान 17 बार तो हार के गया, वो 18वां बार में जीत गया, लेके गए पृथ्वीराज चौहान को, लेके गए, आँख फोड़ दिए, सोचा अब ये क्या करेगा। लेकिन हमारे धरती पे दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो है क्या बोला जाता है उनको, ज्ञान था, ज्ञान। एक हमारे दशरथ जी, एक पृथ्वीराज चौहान, शब्द वेदी बाण का धरती पे दो ही आदमी को जो है ज्ञान था, एक दशरथ जी थे और एक पृथ्वीराज चौहान थे, जो आँख फूटने के बाद भी आँख ना रहे तो भी वो निशाना कर सकते थे, और कुर्सी पे बैठा था वो तो सोचा पृथ्वीराज चौहान का आँख फूट गया है क्या करेगा, लेकिन आँख फूटे रहने के बाद भी वो राजपूत, वो राजा, हमारे सम्राट तुम्हें गिरा दिए थे। तो हमें गर्व है, हम गर्व से बोलते हैं हम राजपूत हैं, हम हिंदू हैं, हम गर्व से बोलते हैं। और जो भी मुस्लिम महिला जो ये पोस्ट डाले जडेजा पे, कितने युद्ध हम लोग जीते हैं, कितने युद्ध किए हैं, इतिहास खोल के देख लो, अपने बाबा, अब बाबा के बाबा से पूछ लो, राजपूत क्या था और क्या है, बस यही बोलना चाहता हूँ। और हमारे समाज, हमारे हिंदू भाई, हमारे राजपूत भाई से अनुरोध है, आप लोग में एकता बनाइए, सहयोग कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। और मैं ये नहीं बोलता हर मुस्लिम गंदा होता है, हर मुस्लिम नहीं, मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन कुछ कुछ है मुस्लिम जो टॉपिक कर देते हैं। अब रविंद्र जडेजा जो वीडियो बनाए, पोस्ट किए, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार, तुम्हें राजपूत है तो नहीं, राजपूत है गर्व से बोलेंगे, हम भी गर्व से बोलते हैं हम राजपूत हैं, बस यही सब बोलेंगे दोस्त, और कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, और कुछ नहीं बोलेंगे। हमें गर्व है जो हम राजपूत हैं, हमारे पूर्वज इतिहास उठा के देख लो क्या क्या किए हैं, और तुम्हारे पूर्वज क्या किए हैं, मंदिर तोड़वाए तुम्हारे पूर्वज, और क्या करवाए। जय श्री राम, जय जय राजपूताना।